गाइस व्हाट इज अप गाइस, सभी को स्वागत है एक और न्यूली वीडियो के साथ। गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक और यूनिक चीज बताने वाला हूँ, जिस यूनिक चीज के जरिए आप लोगों के साथ ये मिराकल होने वाला है, ये मैजिक होने वाला है गाइस, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को भी जानने का मौका मिले कि गाइस ये पॉसिबल कैसे है भाई, 29 रुपए में 300 डायमंड कैसे आखिर पॉसिबल होता है और कैसे करते हैं ये लोग। तो गाइस तुम्हारा भाई चिंता ना करो, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और जड़ी बूटी लेके, जिसका नुस्खा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे देव भाई के पास है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वो छोटा मोटा काम जल्दी से कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करना और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि ये झंझट लास्ट तक ना करना पड़े। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के सर मैं आप लोगों को बता दूँ ठीक है कैसे करते हैं। तो गाइस इस ऑफर को लेने के लिए ज़्यादा एफोर्ट करना नहीं पड़ता है, बस कुछ ही सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। एक्चुअली ये छेड़छाड़ करना ही कहते हैं किसी को डिलीट करना या कुछ भी हो, व्हाटएवर छेड़छाड़ करनी पड़ेगी उसके बाद। तो जो चीज़ मैं ध्यान से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आँखें बड़े कर लो ठीक है, जिसकी जिन लोगों की छोटी छोटी आँखें वो ज़रा बड़ा कर ले बड़ा, ताकि वो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ध्यान से देख सके। तो आइए चलिए हम बिना किसी देरी के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो चलिए तो पहले आपको गेम को क्लीन करना है। अब क्लीन करने के बाद जब आपका फोन खुल जाएगा तब आपको जाना है सिंपल प्रोफाइल मैनेजर पे, हर किसी के फोन में रहता है प्रोफाइल मैनेजर। सिंपल प्रोफाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको जाना है एंड्रॉयड में, हर किसी के फोन में एंड्रॉयड का ऑप्शन रहता है जैसे कि मेरे फोन में। अब एंड्रॉयड में जाने के बाद तब आपको तीन फोल्डर मिलेंगे, एक होगा डेटा, एक होगा मीडिया, तीसरा होगा ओबीबी फाइल। तो आपको जाना का है फर्स्ट में, जाना है डेटा फाइल में। अब डेटा फाइल में जब आप जाओगे ना तो डेटा फाइल में आपको फ्री फायर का एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है com.dts.freefire.th। आपको सिंपल करना क्या है, इस फोल्डर को प्रेस करते हुए आराम से डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट, और कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ इसको डिलीट करना है। फिर आना है आपको वापस रैम क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जैसे कि आप लोगों के हर किसी के ऐप में ऐप मैनेजर का ऑप्शन होता है, हर किसी के सेट में एक ऑप्शन होता है ऐप मैनेजर का। तो ऐप मैनेजर पर जब आप जाओगे तब आपको ढूंढना है क्या, फ्री फायर का जो ओरिजिनल ऐप है उसको। अब फ्री फायर का तो मेरा ऑनिक बहुत नीचे है, तब मैं धीरे धीरे जाता हूँ, ये देखो मेरे सामने आ गया क्या, झंडू बाम फ्री फायर। अब फ्री फायर में जाने के बाद बहुत बंद को क्या होता है, यहाँ पर जो क्लियर का, देखो मेरे यहाँ पर एक बार में आ गया प्रोग्रेस स्टॉप अनइंस्टॉल एंड क्लियर डाटा, ये ऑप्शन किसी का एक चांस में आता है, किसी का स्टोरेज में छुपा रहता है ठीक है, किसी का स्टोरेज में छुपा रहता है, किसी का डायरेक्ट दिखा देता है। तो आपको मेरा डायरेक्ट दिखा रहा है, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो आपको सिंपल करना है कि क्लियर डेटा में जाना है, क्लियर डेटा में जाने के बाद यहाँ पर जो क्लियर कैच का ऑप्शन है ना इसको डिलीट करना है, नॉट क्लियर ऑल डेटा। ऑल डेटा को डिलीट करोगे तो गेम का जो ओबीबी फाइल है वो डिलीट हो जाएगा और आपको फिर से न्यूली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल करना क्या है, फ्री फायर का जो क्लियर कैच है उसको आराम से चिकने की माफिक क्लीन करने का और फिर आने का उड़ी बाबा वापस आने का। अब जब आप वापस आओगे फिर आपको थोड़ा सा गेम को ओपन करने का ठीक है। अब जब आप गेम ओपन करोगे ठीक है, अब जब आप गेम को ओपन करोगे, अबे खुल जा भाई, हाँ थैंक यू ब्रदर खुल गया। तो जब आप गेम को ओपन करोगे तब आपका 10 से 11 एमबी का एक अपडेट मांगेगा। अपडेट करने के बाद ठीक है, आपका अपडेट करने के बाद जब गेम धीरे धीरे खुलेगा, मेरा थोड़ा लोडिंग होने में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लोचा होता है, नेटवर्क का इशू होता है क्योंकि वाईफाई के साथ ना प्रॉक्सी का प्रॉब्लम होता ही है। तो जब आप फोल्डर में ऐसे पहुँचोगे तब आपका जो ड्रेस का जो कॉम्बो था वो कॉम्बो डिलीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर एक्सपेंसिव पैकेज डाउनलोड हो रहा है। वैसे ही आप अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नहीं कर सकते हो। अब गाइस बोल सकते हो क्या, हाँ भैया आपने कंडीशन बताया, हमने अप्लाई किया पर हमारा नहीं आया। तो गाइस ये ऑफर एक बार में नहीं आने वाला, दो बार में नहीं आने वाला, किंतु गारंटी देता हूँ तीन बार में श्योर टू श्योर आएगा तो आएगा
अब उसको आने के लिए कंडीशन, पहला कंडीशन आपको यह है कि यह ऑफर आपको 24 घंटे के अंदर ही आने वाला है। आपको सिर्फ याद रखना है कि आज का आपका ऑफर कितने बजे गया है। मान लो कि अगर किसी का शाम 6 बजे गया है तो वो परसों 6 बजे मतलब 24 घंटे के बाद तो अपडेट होता है, तो मान लो आपका ऑफर 2 दिन के बाद आएगा, ठीक है। हफ्ते में एक एयर ड्रॉप श्योर आता है, मतलब महीने के आपको 500 डायमंड इजीली मिलेंगे 29 रुपये में, ठीक है। ज़्यादातर 29 रुपये में आता है, किसी का अगर नसीब अच्छा रहा तो 10 रुपये में या 9 रुपये में आ जाता है। तो हम लोग जहाँ पर थे, पहला कंडीशन ये है कि आपको 24 घंटे तक वेट करना है और आपका टाइमिंग याद रखना है कि कितने घंटे बाद ऑफर चले जाना चला गया था और नया ऑफर आया था। पहला ऑफर आएगा आपका 280 या 920 का होगा शायद, 280 में कॉमन बता दे रहा हूँ। किसी का 29 रुपये का डायरेक्ट आ जाएगा और जिसका बहुत दिन हुआ है उसका डायरेक्ट आएगा, किसी का अगर लिमिटेड हो गया तो 920 का आएगा या 680 या 280 का आएगा, ठीक है। 640 280, तो ये ऑफर आएगा। तो आपको सिंपल करना है कि उस ऑफर को भूल के फिर से आपको उस ऑफर को जब वो रिलीज हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप में जो आपका ऑफर आएगा वो 29 रुपये का नहीं आएगा जिसका आ रहा है, तो वो क्या करेगा उस ऑफर का टाइमिंग याद रखेगा। नेक्स्ट दिन, अगले दिन के 24 घंटे के बाद, अब उसको तो पता है कि शाम के 6 बजे, जैसे कि मेरा 6 बजे आया है तो मेरा नेक्स्ट 48 घंटे बाद एक और नया ऑफर आएगा, ठीक है। एक ऑफर जाता है तो उसके 48 घंटे बाद दूसरा ऑफर आता है, तो जब आपका 48 घंटा हो जाएगा तब आपको ये चीज़ याद रखना है कि भाई अभी मेरा ऑफर आने वाला है। तो आप ज़्यादातर क्या खेलना है मैं बता रहा हूँ, क्लैश स्क्वाड खेल सकते हो, वो भी रैंक और रैंक मैच खेल सकते हो, पर उसमें एक ही कंडीशन है कि आपको बुइया लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका स्किल जो होता है मिनिमम अपने सेकेंड या फर्स्ट पोजीशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 से 4 कंडीशन है। पहला है 24 घंटे तक वेट करना है, जो ऑफर आ रहा है उसको देखना है। सेकेंड है 29 रुपये का जो ऑफर 29 रुपये का जिस दिन ऑफर आने वाला होगा उस दिन तुम लोगों को बुइया लेना पड़ेगा। थर्ड जो रूल्स है उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन क्रैक करना पड़ेगा अपनी जो स्क्वाड होती है जिन लोगों से आप गेम प्ले करते हो, ठीक है। अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो गाइस, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज का लिंक है, आप लोग फ्रेंडली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका भाई इंतज़ार करेगा। इसके अलावा मैं हर रोज़ स्ट्रीमिंग करता हूँ, चाहो तो स्ट्रीमिंग आके मज़ा मार सकते हो, हमारे साथ गेम प्ले कर सकते हो, और सबसे ज़रूरत मैं रैंक पुशिंग के बेस्ट ऑफ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लाता हूँ, जिससे आप सर्वाइवल कैसे करते हो हार्ड सिचुएशन में भी, उस टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और ज़रूरत, नेक्स्ट गिवे होगा हमारे स्ट्रीमिंग ऐप्स में, और जिस स्ट्रीमिंग ऐप्स का लिंक मैं अपनी कमेंट बॉक्स में दूंगा, नॉट डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर आप लोग अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ले लेना। साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक भी दे दूंगा, सब्सक्राइब भी कर देना बैकअप के लिए, क्या पता मैं उसमें भी लाइव होऊंगा, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को एक्साइटमेंट से भरा हुआ लगा ये ज़रूर हमको बताइए, ठीक है रे बाबा। अभी के लिए तुम्हारा भाई लेता है टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखना और कोरोना के मौसम में संभल कर रहो रे बाबा, ढक्की टिकी आओ, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय। Up there.